हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा प्रयागराज में दूसरा दिन है। कल मैं सो गया था, आया था, थक गया था काफ़ी, सो मैं कल सो गया था जल्दी और रात में भी फिर मैं कहीं घूमने नहीं गया। आज मेरा यहाँ पर दूसरा दिन है माघ मेले में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल है। आज मौनी अमावस्या का दिन है, सो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर अपनी अपनी तपस्या करने में लगे हैं, कहीं यज्ञ भी चल रहे हैं, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई महाभारत का पाठ कर रहा है, यानी सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो नहा कर आ रहे हैं संगम में, बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। सोचा था आज हम भी संगम जाएंगे, बट वहाँ पर पुलिस बैरिकेटिंग लगी हुई है, सो मुश्किल लग रहा है मुझे जा सकते हैं। पर और कई सारे अखाड़े हैं वहाँ पर, सोचा आज घूमने जाते हैं संगम, कल परसों में जाएंगे जब समय मिलेगा। अभी मैं हूँ यहाँ पर 2-3 दिन और, सो देखते हैं जब संगम जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो ऐसे ही चलते हैं बस अखाड़ों को घूमने और देखते हैं फिर क्या होता है। हमारे पंडित जी अनमोल खजाना है, अपने मल की आंखें खोलो, ये सब महाकाल की है। पंडित जी अपनी महिमा में मस्त हैं, सब महाकाल की है। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने और ये हमारे साथ हमारे भैया सुभाष जी, और चलते हैं देखिए माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ये है किन्नर अखाड़ा। ओ भाई भीड़ देखो यार यहाँ पे, मतलब हद से ज्यादा भीड़ है यार, और कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलते हैं यार देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ओ भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा यहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर तो यार बहुत भीड़ है, भीड़ देखो मतलब कितनी हद से ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और अभी तो हम अंदर गए भी नहीं, जाने की जगह नहीं थी, तो बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और इतने सारे लोग बैठे केवल कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके शोज देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, मतलब अमेजिंग है यार।
हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है अगला दिन यानी कि मेरा तीसरा दिन है यहाँ पर और मैं जा रहा हूँ संगम घूमने। यानी पहुँच ही गया हूँ लगभग, ये गंगा का किनारा है और ये इधर गंगा आ रही है और मेरे सामने जस्ट यमुना आ रही है और वहाँ पर संगम है। सो चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और बाकी जो होगा आप देखेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ हैं, मतलब आज कोई वो स्नान नहीं है फिर भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और गंगा का प्रभाव बहुत तेज़ है। अभी सुनने में आया था कि एक ग्लेशियर टूटा है और उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है, तो इस कारण से यहाँ पर गंगा का प्रभाव ही तेज है। और ये है गंगा, इसका प्रभाव देखिए कितना अच्छा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये स्नान के लिए ये बनाए गए हैं, इनके इधर की तरफ रह करके ही स्नान कर सकते हैं, उधर जाने से खतरा हो सकता है क्योंकि उधर प्रवाह तेज है। तो ये है यहाँ का माहौल। संगम पर अभी और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और स्नान चल रहा है, लोग अब स्नान कर रहे हैं। हमें स्नान तो नहीं करना क्योंकि मैंने गंगा से ही स्नान कर लिया था, बट यहाँ पर घूमने आए तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग मिले देखने को और काफ़ी अच्छा रोमांचक नज़ारा मिला यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। यहाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो भाई अब थोड़ा हम भी संगम के पानी में उतर के देखते हैं, दो नदियां हैं यहाँ पर और देखते हैं कैसा पानी लगता है। भाई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, गहरा नहीं है, देखो मैं आराम से खड़ा हूँ, बिल्कुल गहरा नहीं है, पर उधर गहरा है। ये जो बैरिकेडिंग लगी है इसके इस तरफ गहरा नहीं है, आ सकते हैं ना, गहरा तो नहीं है, यहाँ गहरा है भाई। आगे चलो, तुम आगे चलो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे भाई। बहुत लोग नहा रहे हैं यार, देख सकते हो। चलें चलें, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो, इनके ऊपर चढ़ के फिर दिखाते हैं आपको नजारा। ओ भाई बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर संगम पर आए हैं और बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो भाई खूब घूम लिए, अब थोड़ा वापस निकलते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। ओ ओए ओए, कहीं चले ना जाए अंदर। भाई हाथ पकड़ो यार। ओ भाई, ओरे यार भाई बहुत ठंडा पानी लग रहा है यार। दोस्तों आए हैं गन्ने का जूस पीने, हमारे साथ जो भैया हैं वो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, बट उनको हम गन्ने का जूस पिला रहे हैं। सो बना रहे क्या? ये हैं गन्ने, तो भैया ये बना रहे हैं। गन्ने का चूरमा बना दिया।
सो दोस्तों अब हम आए हैं इलाहाबाद में, किला है, इस किले को घूमने आए हैं। काफ़ी पुराना किला है, सुना है अकबर ने बनवाया था या कई लोग कहते हैं उससे भी पहले का था, पर जो भी हो इतिहास में मुझे अभी जाना नहीं है, पर हम किले को घूमने आए हैं। तो किला बहुत अच्छा है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा किला किले का ही परिसर है। और यहाँ पर कहते हैं कि एक अक्षयवट भी है जहाँ पर पांडव वगैरह आए थे, पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, सुनने में आता है। सो अगर खुला होगा तो आपको दिखाएंगे, देखते हैं, चलते हैं। भाई यहाँ फोटो वीडियो खींचना तो मना है, बट कोशिश करके आपको मैं अक्षयवट दिखाऊंगा ज़रूर। सो मैं अंदर जा रहा हूँ, लिखा है अक्षयवट व सरस्वती कूप के पावन पर्व पर आपका स्वागत है। सर सॉरी। सो दोस्तों है तो मना, पर फिर भी हम कोशिश करके आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। ये लिखा है अक्षयवट, बहुत पुराना पेड़ बताया जाता है ये, और कहा जाता है इस पेड़ में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र भी छुपाए थे। बहुत बड़ा पेड़ है ये, करीब 5-6 हज़ार ऐसे सुनने में आया है कि पुराना वृक्ष है ये। लोग आते हैं दूर दूर से इसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिर है अक्षयवट मंदिर पातालपुरी। त्रेता द्वापर और कलयुग, चार युग से बाबा की पूजा हो रही है। भाई अंदर गुफा बनी हुई है ये, तो इस गुफा में जा रहे हैं, काफी पुरानी गुफा लगती है, इसमें एक खन भी बने हैं, ये खुला हुआ ऊपर से, काफी अंदर हम जा रहे हैं गुफा के। यहाँ पर अनेक मूर्तियां भी हैं, यहाँ पर माता पिता के नाम से दान करते हैं। यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ हैं, मुगलों द्वारा अति प्राचीन सरस्वती कूप को पटवा दिया गया। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। मोबाइल नहीं है, सॉरी सॉरी। अब यहाँ से ऊपर जाना है। सो ये है अक्षयवट का पेड़, बहुत ज्यादा ही मतलब मोटा पेड़ है ये, काफी प्राचीन पेड़ है ये। आते हैं वहाँ पर पांडवों ने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, ऐसा बताया गया है। सो दोस्तों ये था अक्षयवट मंदिर, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और ये इलाहाबाद का जो किला है प्रयागराज का, इसके अंदर स्थित है ये पूरा किला है। किले का कुछ ही भाग खोला गया है, क्योंकि अधिकतर किले में सेना के लिए स्थान दिया गया है। सो अब थोड़ा किले में भी जा रहे हैं घूमने,
ये किले की प्राचीर है, बट उधर जाने का मना कर रखा है और ये जाल लगा रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हर जगह लिखा है फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन ऐसा मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो शायद फ़ोटो ना खींच रहा हो। यानी कि मतलब केवल लिखा हुआ है भाई, उसका कुछ नहीं है, सब फ़ोटो खींच रहे हैं और पुलिस वालों के सामने खींच रहे हैं, तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, तो इसीलिए फिर हम भी खुल के वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं भी है जिसको अकबर ने बंद करा दिया था, पता नहीं वो खुला है कि नहीं, सुनने को तो आया है, अगर खुला होगा तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये कुछ कुआं टाइप लग रहा है मुझे। रस देखिए कितनी तेजी से चमक रहा है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं शायद वो लिखा है फोटो खींचना मना है और पुलिस वाले बगल में खड़े भी हैं, फिर भी शायद मेरे अंदाज से काफी सारे लोग फोटो ले रहे हैं। सो अब जा रहे हैं वापस, अक्षय बेट घूम लिया है, किले का भी जो थोड़ा बहुत भाग उन्होंने खोल रखा था वो भी घूम चुके हैं।